اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله سامعين والسامعات آج ईद का दिन, ईद का मतलब होता है रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग खुश होना, खुश होना, यानी आज खुश होने का दिन है। बाज लोग ये कह रहे हैं कि किसी बाज गरोह के बरसरे इक्तदार आ जाने की वजह से इस खुशी पर ग्रहण लग गया, ये सही नहीं। मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता, वो तो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह निगेटिव से पॉजिटिव निकालता है। देखें, मूसा अलैहिस्सलाम है, उनके कौम ने कहा कि पानी चाहिए, दूर दूर तो कहीं नदी नहीं है, कहीं कुआं नहीं है। दुआ देखिए, वे इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नज़्र बिअसाकल हजर फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरत अईना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ये मेरी कौम पानी मांग रही है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है, दूर दूर तक कोई नदी नाला नहीं दिखता, कोई कुआं नहीं दिखता। अल्लाह ने फरमाया, ये जो तेरे हाथ में लाठी है ना, इस लाठी को पत्थर पर मार, इज़्री ब्यासात अल हजर। इस लाठी का पत्थर पर मारना था कि उससे 12 चश्मे निकल पड़े। देखो, लाठी को पत्थर पर मारा तो पत्थर पानी बन गया एक, और यही लाठी जो मूसा के हाथ में है, पीछे फिरौन का लश्कर, सामने समुंदर, दोनों तरफ मौत। फऔहैना इला मूसा अन इज़्रिब बिअसाकल बहर, यहां कहा गया था कि इस लाठी को पत्थर के ऊपर मार, यहां कहा जा रहा है इसी लाठी को दरिया के ऊपर मार। पत्थर पर इसी लाठी को मारा गया तो पत्थर पानी बन गया, और इसी लाठी को पानी पर मारा गया तो पानी पत्थर बन गया। नहीं, फौहैना इला मूसा अन इज़्रिब बिअसाकल बहर फन फलक फकान कुल फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। पानी दो हिस्सों में फट गया और हर हिस्सा लाइक माउंटेन, पहाड़ की तरह, पहाड़ किसे तो पत्थर से बनता है, तौद माने माउंटेन, पत्थर। कुरान हकीम में बोलता है लाठी वही है, पत्थर पर लाठी को मारा तो पत्थर पानी बन गया, और इसी लाठी को पानी पर मारा तो पानी पत्थर बन गया। लाठी वही है, कमाल लाठी का नहीं है, कमाल मूसा के हाथ का नहीं है, कमाल जानते हैं किसका है, कुलना का है, कुलना हमने कहा, ठीक है।
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ فَقُلْنَا हमने कहा कि पत्थर पानी बन जाए, हमने कहा कि पानी पत्थर बन जाए। लाठी से कभी पत्थर नहीं फटता और लाठी से ना तो पानी फटता है। ये कमाल न लाठी का है न मूसा के हाथ का है, कमाल कुलना का है। हमने कहा, आई टोल्ड, मैंने कहा, ये कुलना का कमाल है। हजरत इब्राहिम है, कौम ने फैसला कर लिया है कि इनको आग में डाला जाए, बड़ी आग जला दी गई है और खलीलुल्लाह को उस आग में फेंका जाने वाला है, फेंक दिया गया। अल्लाह ने क्या फरमाया, लम यमुरहा बियंतन तफिया, आग से ये नहीं कहा कि तू बुझ जा। अल्लाह को ये कहना चाहिए था बुझ जा, मेरा खलील गिरने वाला है, बुझ जा ताकि मेरे खलील को तकलीफ ना पहुंचे। आग को बुझने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया जलती रहे, जलती रहने के साथ ठंडी हो जाए। ये है बल तब का बारिदतन, जलती रहे मगर ठंडी हो जाए। ये भी तो कहा जा सकता था, बेअंतन तफी, बुझ जा, आग बुझ जाती, हजरत खलील को तकलीफ नहीं पहुंचती। आग से ये नहीं कहा गया बुझ जा, बल्कि आग से ये कहा गया कुलना या नारुकूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम। अरे आग आग ही रहे, जलती रहे, बुझना नहीं, लेकिन जब तुझ में मेरा खलील गिरे तो जलती रहने के साथ साथ ठंडी बन जाना। देख रहे हैं आप, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी किस तरह निकल रही। आग से कह दिया जाता बुझ जा, बुझने के लिए नहीं कहा गया, जलती रहे, जलती रहने के साथ ठंडी और सलामती वाली बन जाए। ये कमाल है, हादा कमाल कुदरती, ये कमाल कुदरत है। देख रहे हैं आप, मैं तो कह दिया चलो बुझ जा, ये कमाल है। सामने जादूगरों की पूरी जमात थी, मुकाबला बहुत टफ है, और जब उन्होंने अपनी रस्सियां डाली और सांप बन करके, ऐसा लगे जैसे सांप बन गई और मूसा की तरफ बढ़ी, मूसा अलैहि सलाम घबरा गए। एक तरफ पूरी जमात है जादूगरों, तन्हा मूसा मैदान में खड़े हुए, घबरा गए। कुल्ला ला तखफ इन्नका अंतल आला, हमने कहा मत डर, तू ही जीतेगा। देखिए यहां जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, सामने जादूगरों की पूरी टीम, मूसा घबरा गए। हमने कहा कुल्ला, कमाल मूसा का नहीं है, कमाल लाठी का नहीं है कि डाल दिया गया तो फालका फैदा यहां तसा, डाल दिया इसी लाठी को, पत्थर पर मारा तो पत्थर पानी हो गया, पानी पर मारा तो पानी पत्थर बन गया, और जमीन पर डाल दिया तो अजदा बन गया। छिपाते लाठी भी है और काम मुख्तलिफ लिए जा रहे हैं। हादा कमाल कुदरा, देख रहे हैं हर जगह से निगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकल रही है, तो समझ में आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, ये अल्लाह तबारक व तआला का मामला है। हमारे सामने निगेटिविटी है, कुरान हकीम बोलता है हमको निगेटिविटी नहीं देखनी है, हमें कुलना देखना है। हमने कहा, जब हमने कहा तो निगेटिव से पॉजिटिव तो निकलने वाला है। सामने एक क्लाउड आ रहा है, बादल आ रहा है, ये किसकी बात है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, कौम आद का तस्करा है। वस्कुर आद इज अंजर कौम बिल अहकाफ, ये कौम अहकाफ में रहती थी, अहकाफ या हकफ की जमा है, यानी ज़िगज़ैग डेजर्ट ऑफ सैंड्स, यानी खम दरखम रेगिस्तान को अहकाफ बोलते हैं। इस कौम पर अल्लाह का आजाब आने वाला था, ये कौम भूल गई थी, क्या बोलती थी, मन अशद मिन्ना कुव्वा, ये देखो क्या बोलती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। और जब बोलता है हमसे ज्यादा ताकतवर कौन तो फूल जाता है, फूल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर हवा का आजाब भेज दिया, गुब्बारे का हवा से कितना गहरा ताल्लुक है, गुब्बारा उड़ गया। सात रात और आठ दिन तक मुसलसल ये हवा इस कौम के ऊपर मुसल्लत रही, फूल गए ना, गुब्बारे में हवा भर गई है,
तुमको उड़ा दिया जाएगा। कहते हैं मन इंतफका तारा, जो फूल गया उड़ गया, ये फूल गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर हवा का आज़ाब भेजा, फूल कर कहते थे, कुप्पा हो गए थे, फूल कर बैलून हो गए थे, और जो फूल गया वो उड़ गया। कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। वो चीज जिस पर मदारे हयात है, जिसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, थोड़ी देर सांस न ले आदमी मर जाएगा, इसी हवा को जो कि इंसान मदारे हयात है, इसी को अजाब बना दिया गया। सिर्फ इतना अल्लाह ने कहा स्पीड बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दे, अजाब बन गए। वही चीज जो रहमत थी जहमत बन गई, पॉजिटिव को निगेटिव बना दिया गया, यहां पॉजिटिव को निगेटिव बना दिया गया। तो गर्मी मुसल्लत कर दी गई इनके ऊपर, घबरा गए सब। गर्मी है, नाम नहीं ले रही है रुकने का, मुसलसल बढ़ रही है, और लोग गर्मी से परेशान हैं। अचानक फलम्मा राहु आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम, उन्होंने देखा, दे सा अ क्लाउड इज कमिंग टुवर्ड्स देयर वैली, एक बादल जो है उनकी वादी की तरफ आ रहा है, आ रहा है। खुश हो गए, बादल अपने अंदर पानी लिए रहता है, राइट, बादल अपने अंदर पानी लिए रहता है। खुश हो गए, कहने लगे हादा आरिज़ुम मुमतिरुना, ये बादल है जो हम पर बरसने वाला है, और जब बरसात होगी तो सारी गर्मी खत्म हो जाएगी। देखिए, और जब वो क्लाउड, वो बादल करीब आया और इनको अपने घेरे में ले लिया, तो रीहुन फीहा अजाबुन अलीम, इसमें हवा थी अजाब के तौर पर, और बादल से हवा निकली। बादल पॉजिटिव होता है, इसके अंदर से पानी बरसता है, वो रहमत की नवीद होता है। बादल रहमत की नवीद होता है, बारिश की नवीद होता है, लेकिन इसी पॉजिटिव से कौम ने जब शरारत की तो अल्लाह तबारक तआला ने निगेटिव पैदा कर दिया, और सात रात और आठ दिन तक ये हवा जो कि पॉजिटिव थी निगेटिव बना दिया गया, और पूरी की पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। मकानात खड़े हैं, मकीनों का पता नहीं है, उठा उठा करके जमीन पर पटक देती थी, भेजे निकल जाते थे, पूरी कौम खत्म। ला युरा इल्ला मसाकिन, दिल दहल जाता है पढ़ करके। सिर्फ उनके मकानात आप देख सकते हैं कितनी शान से कहा गया, एक भी जिंदा नहीं बचा। ला युरा इल्ला मसाकिन, देखना हो तो सिर्फ मकान देख लो, उनके मस्कन देख लो, कोई भी जिंदा नहीं बचा। फूल गए थे ना, उनको गुब्बारे की तरह उड़ा दिया गया। तो कोई कौम ये न समझे, कोई गरोह ये न समझे कि कोई देख नहीं रहा है, उनकी हर हर हरकत के ऊपर रब ताला की नजर है जी। कोई गरोह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। फलम्मा राहु आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम, देख रहे हैं बादल रहमत की नवीद है, उससे हवा भेज दी गई जो अजाब की सूरत इख्तियार कर गई, और पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। देखो पॉजिटिव से निगेटिव, कमाल बादल का नहीं है, कमाल कुल्ला का है। हमने कहा कि अब इससे रहमत की नवीद नहीं, बल्कि इस बादल को मूजिब अजाब बना देना है, मूजिब जहमत बना देना है। दरिया पीछे फिरौन का लश्कर है, इधर भाग नहीं सकते, मारे जाएंगे। सामने समुंदर है, समुंदर क्या है, मूजिब जहमत है, कोई कूदा तो गया, मर गया, डूब गया, कोई उसमें जाने के लिए कूदने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ये मूजिब हलाकत है, कौन, पानी, अंदर गए कूदे मरे खत्म हुए। अल्लाह तआला ने कहा ये जो मूजिब हलाकत है, हम इसे मूजिब रहमत बना दे रहे हैं, मार अपनी लाठी इस पानी के ऊपर। पानी दो हिस्सों में फट करके खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बन गया। देख रहे, कोई तस्वीर भी कर सकता था कि ये पानी फटकर रास्ता दे देगा, और उससे बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा आगे निकल जाएंगे। देखिए निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव को निकाल दिया गया, मूजिब हलाकत है, अल्लाह ताला ने उसे मूजिब रहमत बना दिया, दरिया के अंदर से रास्ता दे दिया। तो हम तो इस बात के कायल हैं, हमारा अकीदा यह है कि रब्बे ताला पॉजिटिव से निगेटिव को, निगेटिव से पॉजिटिव को निकाल सकता है। तो देखो ना, आदमी मर जाता है, शुबहा है लोगों को कि मरने के बाद आदमी मिट्टी हो गया, जला दिया गया तो राख हो गया, जिंदा कैसे होता है।
अल्लाह ने कहा हम राख से जिंदगी की नवीद निकाल सकते हैं, हम आप राख से, बुझी हुई राख से जिंदगी की हरारतें निकाल सकते हैं। जिस तरह हम ऐसा किया करते हैं कि मरी हुई चीज से जिंदा चीज निकालते हैं, जिंदा को मुर्दा कर देते हैं, तो राख से जिंदगी की हरारत क्यों नहीं निकाल सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यासीन में, अल्लज़ी जअललकुम मिन अश्शजरिल अख़ज़र नारा, हमने हरे दरख्त से आग निकाल दी। हरे दरख्त क्या होता है? हरा दरख्त, उसमें आग होती है नहीं, हरा है ये, पानी है इसके अंदर, इसकी हरियाली बता रही है, इसका इख़्ज़रार बता रहा है, इसका हरापन बता रहा है कि इसके अंदर पानी है, आग नहीं है, आग तो सूख जाता। अल्लाह फरमा रहा है हम तर डालियों से, शजर अख़ज़र से, हरे दरख्त से आग निकाल देते हैं। नहीं, वो मर्फ और एफार दो दरख्त होते थे, एक डाली काट लो मर्फ की एक एफार की, और दोनों को आपस में सरगड़ दो, आग निकल जाती थी। बताइए, दोनों पानी, डालियों में पानी है, पानी से रगड़ने के बाद आग निकाल दी गई। अल्लाह ने फरमाया देखो हमने हरे दरख्त से आग निकाल दी, जो बिल्कुल जिद, निगेटिव से पॉजिटिव निकाल दे रहे हैं। इसी तरह हम राख से जिंदगी की हरारत निकाल सकते हैं, आदमी को जिंदा कर सकते हैं। शुभा क्यों कि आदमी मर गया उसके जिस्म के जर्रात इधर उधर बिखर गए? अरे वो तो तुम्हारा इल्म है, हमारा इल्म ये है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे बदन के जर्रात कहाँ कहाँ हैं, ये हमारा कमाल इल्म है। और जब हम जर्रात का इल्म रखते हैं तो उनको दोबारा जमा करके इंसान क्यों नहीं बना सकते दोबारा? ये हमारा कमाल कुदरत है, अल्लाह अकबर, वो कमाल इल्म है, तमाम जर्रात का इल्म रखता है, और ये कमाल कुदरत है कि जर्रात को जमा करके इंसान खड़ा कर दे। ये अल्लाह तबारक व तआला का कमाल है, ये उसकी कमाल कुदरत की दलील है। सबसे बड़ा हादसा जानते हैं कुरान हकीम में जो बयान किया गया मुसलमानों के बारे में, क्या है जानते हैं? वाकई इश्क है। हजरत आयशा पर तोहमत लगेगी कि सफवान इब्ने मुअत्तल सुलमी के साथ थी, जरूर इनसे खता हुई है, जना का सुदूर हुआ है। जानते हैं ये हादसा इतना बड़ा हादसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहनी तनाव आप देख सकते हैं, जहनी तनाव इतना है कि आप अपने उस जहनी तनाव को बयान नहीं कर पा रहे हैं। सिद्दीक़े कायनात ने जब सुना कि मेरे ऊपर इस तरीके का इल्जाम है, आंखों से आंसू खत्म हो गए रोते रोते। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा खून हो गया, मां का कलेजा दहल गया, सहाबे किराम की निगाहें नीची हो गई, जिस तरफ से गुजरते थे मुनाफिकीन कहते थे देखो ये उस नबी को मानने वाले हैं जिसकी बीवी का यह हाल है। अल्लाह, ये जबरदस्त हादसा है पूरे कुरान हकीम में। जानते हैं कहां से शुरू हो रहा है मामला? अल्लाह ने फरमाया इन्नल लजीन जाऊ बिल इफ्क उसबतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। ये जो इल्जाम लगाया है इसे तुम लोग शर मत समझो। अजीब बात है, अजीब बात, इतना बड़ा हादसा है कुरान हकीम बोलता है इसको शर मत समझो। अरे इससे बड़ा शर क्या हो सकता है? सहाबे किराम परेशान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हनी तनाव बयान के बाहर गए, सिद्दीक़े कायनात की आंखों से आंसू सूख चुके हैं, इससे बड़ा हादसा। कुरान कह रहा है इसको शर्म सुन, ला तहसबू शर लकुम बल हुवा खैर लकुम, शर नहीं है ये, इतना बड़ा हादसा खैर है। न समझ में आने वाली चीज है, सही है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है हम शर से खैर को निकाल देते हैं। सबसे बड़ा हादसा है ये, शर है ये, और कुरान हकीम बोलता है इसको शर मत समझो, क्या समझो? खैर समझो इसको। अब मैं साबित करूं कि खैर कैसे है। दुनिया का कोई आदमी किसी की पाक दामनी और अफाफ और इफ्फत का सर्टिफिकेट दे दे तो उसको बहुत बड़ा माना जाता है, बराबर। लेकिन रब्बे कायनात किसी की इफ्फत और पाक दामनी की तस्दीक कर दे, सर्टिफिकेट दे दे, उससे बड़ा खैर क्या हो सकता है? बल हो खैर लकुम की तरफ इशारा किया गया। आपने कुरान पढ़ा है? मैं कुरान का एक अदना तालिब इल्म है, तकरीबन 17 साल से किताब अजीज मेरे मुताले का मौसू है जी। मैंने गौर किया, देखा
पता ये चला कि इसमें 18 आयतें हैं, 10 आयतों के अंदर सिद्दीक कायनात का इनोसेंस साबित किया गया कि आप बरी हैं, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है सही नहीं है, आप इनोसेंट हैं। तो 10 आयतें आपकी बरात पर, आपके इनोसेंस पर कि आप बरी हैं, 10 आयतें आपकी इस्मत के लिए कि आप इस इल्जाम से बरी हैं, और 16 आयतें आपकी अजमत पर कि इनका मकाम क्या है, और 18 आयतें मुनाफिकीन की तकजीब पर, झूठे हैं ये, बदमाश हैं ये, शरीर है। अल्लाहू अकबर। 10 आयतें इसलिए उतारी गई कि हजरत आयशा इनोसेंट है, मासूम है वो। मासूम का मतलब ये, इनसे इस खता का सुदूर नहीं हुआ जिस खता की निस्बत इनकी तरफ की जा रही है। ये 10 आयतें और 16 आयतें सिद्दीक कायनात की अजमत पर कि कितनी अजीम है सिद्दीक कायनात, और 18 आयतें मुनाफिकीन की तकजीब पर, छुट्टे हैं, बदमाश हैं ये। ये कुरान है। तो आपकी इफ्फत और पाक दामनी पर सर्टिफिकेट अर्श से आ रही है, इससे बड़ा खैर क्या हो सकता है। अब मिला लो, इन्नल लदीन जाऊ बिल्लिस्तु उसबतुम मिनकुम ला तहसबू शर लकुम बल व खैर लकुम। ये बदाई शर नजर आ रहा है, लेकिन ना इसको शर मत समझो, खैर समझो। क्या पता चला, हम निगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकालते हैं। ये अकीदा दिया गया कि कितनी भी बड़ी आफत क्यों ना हो, हमारे सामने आ जाए, हमारा ईमान कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हा? मौत देख करके भी, चारों तरफ मौत मडला रही हो तब भी ईमान बढ़ना चाहिए। जी हाँ, बढ़ना चाहिए। दलील दलील देखो, साहबे किराम जंगे अहज़ाब, चारों तरफ से 10,000 लोगों ने घेर रखा है, पूरा मदीना घेर लिया गया कि एक आदमी को जिंदा ना छोड़ा जाए। साहबे किराम जिनका ईमान पहाड़ों के बराबर था, पहाड़ों जैसा था, घबरा गए। अल्लाह ने उनकी कैफियत बयान फरमाई, फरमाया वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, इतने घबरा गए थे कि उनके दिल उछल कर गुरकू में आ गए। ये कैफियत उनकी, दिल उछल कर हलक में आ जाए, ये घबराहट और शिद्दत इस तरह की इंतहा, इस तरह की नहीं शिद्दत इस तरह की इंतहा, इस तरह की शिद्दत और उसकी इंटेंसिटी जो है उसकी इंतहा, उसकी जेनिथ बताएगी। ये दिल उछल करके यहां से यहां, क्या समझे आप, नुकता नहीं समझ में आया। दिल अगर अपनी जगह से हट जाए आदमी मर जाता है, नहीं, ये दिल अपनी जगह छोड़ चुके थे। कुरान हकीम बोलते हैं घबराहट में दिल बंद हो, अरे भाई दिल अपनी जगह है ना, हट जाए तो अपनी जगह से, जगह चेंज कर दे तो मर जाएगा आदमी, जहां वहीं रहने दो उसको, मर जाएगा आदमी। यहां कहा जा रहा दिल ने अपनी जगह चेंज कर दी है। वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, दिल इधर आ गए हुलकुम में। कैसे क्या बयान करता है कुरान हकीम, तमाम अदब। मेरा ख्याल है इश्तियारों का, मेटाफाज का कुर्बान कर दिया जाए इस आयत के ऊपर। तमाम अदब अपना सर झुका दें इस आयत करीमा के सामने, उसकी बलावत के सामने। खुलकूम में आ गए, दिल उछल कर अपनी जगह छोड़ दिया उन्होंने। दिल जगह छोड़ दे आदमी मर जाता है, यह हालत हो। लेकिन क्या हुआ, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دنیا کی کیوں کوئی میوزک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جانتے ہیں قران کا ریدم قران کی سٹائل بہترین قاری پڑھ گا آدمی کا دم نکل جائے گا مر جائے گا آدمی گانے بہت سنے یہ لڑکے بیچارے ये पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, क्या मोबाइल क्या है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, मोबाइल ये बैठे क्या है उसमें, दिल धड़क जाए कुरान पढ़ते बैठे, क्या रिदम है बोलने का। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دنیا کا کوئی ریتم دکھا دو، کوئی گانا دکھا دو، کوئی ریتم دکھا دو، کوئی میوزک دکھا دو،
जो किताब दी गई थी उसी किताब को छोड़े बैठो, जूते नहीं खाओगे जाओ, बराबर जूते पड़ रहे हो, एहसास नहीं है इस किताब अजीज को छोड़ने की वजह से। जानते हैं इसकी सिफत क्या है? वही नहुल किताब अजीज, ये किताब अजीज है। अजीज क्यों सिफत लाई गई? मुफस्सिर तबसरा करता है अल कुर्ब मिन इज्जत, अगर कुरान हकीम से करीब हो जाओ इज्जत मिल जाएगी। अब इज्जत कहां ढूंढ रहे हो? इज्जत इधर है, ढूंढ कर रहे हो। मोबाइल डिलीवर, अरे आज तक मोटरसाइकिल चला नहीं आए इनको, इतनी तेजी से गुजरते हैं। लखनऊ जा रहे बेचारे, लखनऊ जा रहे हैं, 5 मिनट अगर देर से मंजिल पर पहुंचे तो क्या तकलीफ है? मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता तुम्हें? वो कौन? ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, यही तमाम हरकतें हैं उल्टी पलटी जिसकी वजह से ये अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है। तारीख अपने आप को दोहरा ना दे कहीं, बगदाद की तारीख, स्पेन की तारीख, डर लग रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख हमेशा दोहराती है अपने आप को। सुधर जाओ, जिस तरफ जा रहे हो ना वो रास्ता सही नहीं, अल्लाह इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अल्लाहू अकबर। قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم। مفصل لکھتا ہے کہتا ہے كلما ذهبت فالله ينتظر رجعتك, تم گناہوں کے میدان میں کتنی بھی دور آگے نکل جاؤ اللہ تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تمہارے اوپر کتنا رحیم, تم گناہوں کے میدان میں بڑھتے جا رہے ہو اللہ انتظار کر رہا ہے تم پلٹو پلٹ کر کے آؤ۔ فاللہ ينتظر رجعتك, اللہ تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ تب میری طرف لوٹتا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے ہم لوگوں سے, بہت پیار کرتا ہے۔ ایک نقطہ بتاؤں, یہ آیت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد انیبو ہے, انیبو کا مطلب ہوتا ہے جاتے جاتے پلٹ جانا, رجوع کرنا, اور ایک مطلب یہ بھی ہے زندگی کے ہر قدم پر دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ جی مغفرت کے بعد, وعدے مغفرت کے بعد, وعدے بخشش کے بعد انابت کا تذکرہ ایک مفسر نے بہت پیارا لکھا, کہتا ہے لِذُنُوبِ فِيَا اِسْرَاف فَمَنِ اقْتَصَدَ سَهُلَ عَلَيْهِ الْإِنَابَ۔ کیا تبصرہ ہے, بولتا ہے کہ گناہ کے اندر بھی اسراف ہو جاتا ہے, گناہ بھی ذرا لمٹ میں کرو, بولتا ہے گناہ لمٹ میں کرو, اس لیے کہ گناہ لمٹ میں رہیں گے تو لوٹنا آسان ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے, ایک آدمی سر پر بوجھ لیے ہوئے جا رہا ہے, بوجھ ہلکا ہے, پکارا زید پلٹ جاتا, اس لیے بوجھ ہلکا ہے برابر, مڑنا آسان ہے, لیکن بوجھ زیادہ لاد لیا ہے بولے جا زید مڑ ہی نہیں پا رہا نا, بوجھ بہت زیادہ ہے۔ تو گناہوں کو لمٹ میں کرو, آؤٹ آف لمٹ مت ہو جاؤ, گناہ بھی لمٹ میں کرو تاکہ پلٹنا آسان ہو جائے۔ ہم لوگوں نے تو اتنے گناہ کر لیے کہ پلٹنا آسان نہیں ہے, تو لہذا گناہ میں بھی لمیٹیشن ہونا چاہیے, گناہ بھی ذرا ہو جاتے ہیں گناہ, لیکن لمٹ میں کرو, ان لمیٹڈ مت کرو تاکہ انابت آسان ہو جائے۔ اللہ ثابت کیا ہوا اب تک, ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ آیت کریمہ دیکھو, چاروں طرف موت مڈلا رہی ہے, 10,000 لشکر جرار ہے سامنے, 3,000 بیچارے لڑنے والے بھوکے پیاسے مورچے کے اوپر جمے ہوئے, کئی وقت کی نمازیں چلی گئی, پریشان نہیں سب, ایسی حالت میں موت سامنے, موت نہیں موت ناچ رہی چاروں طرف, موت تانڈو کر رہی ہے ناچ رہی ہے۔ ایسے میں موت کو دیکھ کر کے صحابہ نے کہا ولما را المؤمنون الاحزاب, موت کو ناچتے ہوئے دیکھا سامنے, کہا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله, یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا۔ اللہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, موت دیکھ کر کے ایمان بڑھ گیا, ہم لوگ دیکھ کر کے تھوڑی سی پریشانی, ایک گروہ برسر اقتدار آ گیا, گھبرا گئے, یہاں موت چاروں طرف مڈلا رہی ہے اور ایمان بڑھ گیا ہے۔ وما زادهم, یہ قرآن کا ہے کے لیے, خالی پتا نہیں کیا گاتے رہتے لوگ, کیا گاتے رہتے سمجھ میں نہیں آتا میرے, یہ قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, ختم ہوتا ہی نہیں ہے, پڑھو کتاب ہدایت ہے, موت دیکھ کر کے ایمان میں زیادتی ہے۔ یہ کہتے اور اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ جانتے ہو جن کو تم سلف کہتے ہو کیسے تھے, ہم سے جو وعدہ کر لیا اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ رب تعالیٰ اگر بول دے کہ ہم سے نبی کے صحابہ نے وعدہ کیا تھا اور وعدے کو سچ کر دکھایا, کیا بات ہے۔ میرا خیال ہے
कि सीरत सहाबा पर, अजमत सहाबा पर यही कायद काफी है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जो वादा नबी के सहाबा ने हमसे किया था वो वादा पूरा किया उन्होंने। कैसे? فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ, कुछ तो हम पर मर मिटे, अल्लाह की जाने दे दी। وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, कुछ इस इंतजार में है कि अल्लाह पर मरने का वक्त आ जाए तो मर जाए। فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ, कुछ तो हमारे ऊपर मर मिटे। وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, कुछ हमारे ऊपर मर मिटने के इंतजार में है। मा बदलु तब्दीला, और जो मौकिफ इन्होंने मेरे वादे के बारे में इख्तियार किया, जर्रा बराबर एक इंच अपनी जगह से नहीं हटे। बदलु के बाद जो मस्दर लाया गया वो ताकीद के लिए, मा बदलु तब्दीला, एक इंच भी उनके मौकिफ के अंदर तजलजुल नहीं आया, तजलजुल नहीं आया। ये है अल्लाह से वादा किया, कुछ तुम मिट गए अल्लाह के लिए और कुछ मिटने के इंतजार में। जब तक ये जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगा, मुसीबतें तुम्हारा चेस करती रहेंगी, ताकू करती रहेंगी, तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगे। याद रखो, तो निगेटिव से पॉजिटिव निकालना ये अल्लाह का है। एक कौम ने मुतालबा किया था, क्या ऊंटनी निकाल दो, कहां से? पत्थर से। अजीब मुतालबा है, पत्थर और उससे ऊंटनी, बेजान से जानदार, जाहिर है निगेटिव से पॉजिटिव निकालना। ऊंटनी निकल आई, ऊंटनी निकल आई, निगेटिव से पॉजिटिव। पूरा कुरान आप देख डालो, सिर्फ और सिर्फ बोलता है तुम्हारे कदमों में सबात होना चाहिए, तुम्हारे कल्ब में सबात होना चाहिए, तुम्हारी फिक्र में सबात होना चाहिए। फिक्र मुतजलजिल हो जाए तो कदम मुतजलजिल हो जाते हैं, कदम मुतजलजिल हो जाता है। तुम्हारे ईमान में ज्यादती होनी चाहिए, बहुत बड़ी मुसीबत, मौतें नाच रही, मौत नहीं मौतें नाच रही हूं, तो तुम्हारे ईमान में ज्यादती होनी चाहिए। इतना सुकून देता है कुरान हकीम। कुछ समझ में आ रहा है? समझो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझो। जे हमें घबरा है, हमारा रब तो निगेटिव से पॉजिटिव निकाल देता है। एक आयत करीमा का तफसरा एक मुफस्सिर का देखा मैंने, कहता है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि गमों के पहाड़ ने तुम्हें घेर लिया, फकुल्लुल हुमूमी, तमाम के तमाम गम ततबद्दत, तमाम गमों के बादल छट जाएंगे अगर तुम गौर करो। अरे सल्लल्लाहु अलैहि काफी नब्दा फिर, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? देखिए तो सारे के सारे गम छट जाएं। असल इबारत क्या मुफस्सिर की? फकुल्लुल मखाविफ ततबद्दद इदा कराता अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि नब्दा, अगर तुम चाहते हो कि अंदेशों और खौफ के बादल छट जाएं तो ये आयत याद करो, ये आयत पढ़ो। कौन सी? क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? 24वीं पारे सूरह ज़ुमर की आयत, अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि काफी नब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? और वो कुल्लुल अहलाम ततदद ततदद, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे ख्वाब रंगीन हो जाए, ख्वाबों में रंग भरना चाहते हो, अदीबाना अंदाज में कह सकते हो, वकुल्लुल अहलामी ततजद्दद, अगर चाहते हो कि तुम्हारे ख्वाब रंगीन हो जाए, ख्वाबों में रंग भरना चाहते हो, तो यह आयत देखो, उदूनी यस्तजिब लकुम, तुम मेरे मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह, तो हमारे सामने कितना ऑप्शन है, अल्लाह हमारे सामने, हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। गर्मी बहुत है, आप लोगों को परेशान करना मकसूद नहीं है, जो ख़ास बात थी वो बता दीजिए। हमें रमज़ान के बाद रूहानियत का आला दर्जा मिल गया है, आला दर्जा पूरे रमज़ान में रहे। अब बाद लोग फख्र कर रहे हैं, अरे पूरा महीना हम लोगों ने रूहानियत के ये मदारिज तय किए, कामयाब हैं। एक हदीस सुनाऊं, बस हदीस सुना करके बात खत्म करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत मुसन्नद इब्न शैबा में, कहाँ है? मुसन्नद इब्न शैबा। अरबी पढ़ने का वक्त नहीं है, खुलासा बता देता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि एक खानकाह में एक पादरी रहता था, 60 साल इबादत किया था, अबदल्लाह सित्तीन सनतन, 60 साल इबादत की थी अल्लाह, 60 साल से इबादत कर रहा। एक औरत उसके बगल में उतरी, ये फितना बहुत बड़ी फितना है, ये अगर सही रहे तो रहमत है, बिगड़ जाए तो इससे बड़ी जहमत कोई नहीं,
बनी इसराइल में सबसे बड़ा फितना औरतों का फितना था, जानते, वो औरत उतनी निगाह से निगाह मिली, बंदा वहां पहुंच गया, कौन ये 60 साल इबादत करने वाला, और 6 दिन तक उससे बदकारी करता रहा। ये पादरी 60 साल इबादत करते हुए गुजरी, 6 दिन तक उससे बदकारी करता रहा। फलम्मा सुकितफ यदि का मतलब नदी में, बताया बड़ा शर्मिंदा हुआ, भाग पड़ा, फहारा भाग पड़ा, अरे 60 साल इबादत के बाद 6 दिन, 60 जीरो हट गया, 6 दिन से इस औरत के साथ बदकारी कर रहा हूं, नादिम हुआ, भाग, 3 दिन भूखा था, भूखा प्यासा था। एक मस्जिद में पहुंचा तो देखा 2 आदमी दाएं बाएं और बैठे हुए, उनकी हालत से भी इफलास झलक रहा है। मौजिन ने ला करके एक रोटी दी, ले खा, हालत इतनी बदतर थी कि उसके कांप, हाथ कांप रहे थे, रोटी तोड़ नहीं पा रहा था, परेशान था, भूखा था, मरने के करीब हो गया था। जैसे रोटी तोड़कर खाना चाहा, देखा कि वो दोनों अपने होठों पर जबान फेर रहे हो, बहुत भूखे हैं वो दोनों भी। रोटी के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा इसको दे दिया, एक हिस्सा इसको दे दिया, चुपचाप बैठ गया। मौत का फरिश्ता भेज दिया गया, इसकी जान निकाल करके लाओ, जान निकाल करके लाया गया। कहा इसके 60 साल की इबादत एक पल्ले में रखो और 6 दिन की बदकारी एक पल्ले में रखो। वजन किया गया तो 6 दिन की बदकारी का पल्ला भारी हो गया, हल्का। 60 साल की इबादत है, 1 महीने की नहीं, 60 साल की इबादत 6 दिन में चली गई, इबरत की बात नहीं है, इबरत इबरत इन फिदाली का इबरत है। कुछ पढ़ते वढ़ते कि नहीं, पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। ये देखो 60 साल की इबादत 6 दिन में तबाह, पलटा नीचे चला गया बुराई का, 60 साल की इबादत हल्की हो गई। कहा कि अब तो जहन्नम में जाने के लायक है, 6 दिन में 60 साल की इबादत गई, 1 महीने का रोजा गया, कुछ ऐसी हरकत कर लो तो है गया, फख्र नहीं करना। फिर कहा गया ऐसा करो, वो 6 दिन का गुना एक पल्ले में रखो और वो रोटी के 2 टुकड़े पल्ले में रखो, रोटी के वो 2 टुकड़े जो पल्ले में रखे हुए थे नीचे चले गए, अल्लाह तबारक ताला ने कैसे बख्श दिया जाए, मैं इसे बख्शता हूँ। क्या समझ में आया? बहुत कुछ है इस हदीस में समझने के लिए, वक्त नहीं है, बस ये है कि हम अपने आप को सुधार लें, किसी नेकी के ऊपर फख्र न करें, नेकी करते जाएं, इखलास के साथ करते जाएं। हमें अब क्या करना है, बस इतना अल्लाह ने फरमा दिया, तुम्हें करना क्या है, वअनिस्तगफिरु रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैही युमत्तिउकुम मतान हसना इला अजलिन मुसम्मन व युति कुल फी फज्लिन फज्ला। आपको नुस्खा दे दिया गया है, आपको करना क्या है, ठीक है, कोई गरोह है जिसे आप डर रहे हैं, मुसीबत है आप डर रहे हैं, नुस्खा दे दिया गया, अनिस्तगफिर, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लो, दूसरे एतात करो, मासियत से तौबा, मासियत से अल्लाह तबारक व ताला से इस्तिगफार, और तूबू इले ताते बदलो, मासियत से तौबा, मासियत से अल्लाह से माफी और एतात के ऊपर जम जाना। क्या होगा फिर, युमत्ते कुम्मतान हसना, वादा है अल्लाह का, हालात कैसे भी खराब हो तुम्हें खुशगवार और पुरम जिंदगी देने वाले हैं, इला अजल मौत तक। अब इससे क्या चाहिए वादा, अब क्यों घबराना, काहे को घबराना है, तो इस्तिगफार और तौबा ये 2 चीजें हमें लाजिम पकड़नी है। मुजदा सुना दिया गया, युमत्ते कुम्मतान हसना, अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितने लोगों ने रोजे रखे हैं, अल्लाह ठीक है उस नेकी में खताए भी मिल गई। एक नुक्ता बताऊं, हम कोई मिली हुई चीज अगर सामने आए तो नहीं लेते, झगड़ पड़े, दूध में पूरा पानी गिरा दिया, नालायक थी। कोई मिली हुई चीज हम नहीं लेते, अल्लाह मिली हुई चीज अपनी रहमत से ले लेता है। वाखरूना तरफ बिदुनूबिहिम खरतु अमलन सालिहम वाखर सय्या, नेक अमल किया और उसमें बुराई मिला भी, देखिए खरतु अमलन सालिहम वाखर सय्या, नेक अमल किया उसमें बुराई घुसा दी। अभी मिली हुई चीज है, अल्लाह का रहम देखो, वो मिलावट वाली चीज ले ले रहा है, अल्लाह का रहम है ये, तो तुम्हारी मिलावट वाली चीज, रोजा रखा अपने कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, अल्लाह ले लेता मिली हुई चीज को, ले लेता तुम्हें माफ कर देता, तुम्हें माफ कर देता, मिली हुई चीज भी ले लेता है। तो अल्लाह हम लोगों ने जो रोजे रखे हैं, जो सदको खैरात की, जो जकातें अदा की, अल्लाह अपनी रहमतों की चादर उसके ऊपर,
अपनी मगफरत की चादर, अपनी कबूलियत की चादर डाल। और हमसे 11 महीना आगे हमसे तो उसी तरह काम ले जैसा तूने रमजान में लिया। अल्लाह हम में से जो बीमार है अल्लाह ने शिफाए कुल्ली रहमत अता फरमा। अल्लाह हमारे जो भाई जहनी तनाव में है अल्लाह उनके तनाव को दूर फरमा। अल्लाह माली हालत जिनकी ख़राब है अल्लाह माली एतबार से परेशान है अल्लाह उन्हें सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने के रास्ते आसान फरमा दे। अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम के ऊपर ईमान के ऊपर, जब इस दुनिया से जाएँ तो कलमे तौहीद हमारी ज़बान पर हो, ईमान पर हमारा खात्मा हो, मुसलमान हो करके हम इस दुनिया से जाएँ। अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, हमें इस बात का एतराफ़ हो, हमें एतराफ़ है वाफरूना तरफ बे दोनों भी हमारे रब हम सब जो है मौजूद हैं सब अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं और तुझसे मगफरत की तालीम है। अल्लाह हम तुझे भूल गए हैं लेकिन तू हमें मत भूलना, होता है ऐसा। वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़ानसाहुम, उस तरह ना हो जाओ कि अल्लाह को भूल गया अल्लाह उन्हें भूल गया। अल्लाह भूलता है क्या? नहीं नहीं भूलता नहीं है, भूलने का मतलब ये छोड़ देता, चिल्ला कर ओ नहीं भी देखता भी जा, तू मुझे भूल गया तो मैं तुझे भूल देता, एराज करता है बस। तो ऐसे मत हो जाओ, अल्लाह को भूल जाओ, अल्लाह तुम्हें भूल जाए। भूलने का मतलब दिमाग से निकल गए हो, बिल्कुल तुम निगाहों के सामने हो। तो अल्लाह हमसे आसान हिसाब ले। अल्लाह दुनिया में जो परेशानियां हमारे सामने मंडला रही हैं अल्लाह तबारक व तआला तो उस बात पर कादिर है, निगेटिव से पॉजिटिव निकाल देता है। अल्लाह हम इस पर एतकाद रखते हैं, अल्लाह वो हर निगेटिव से पॉजिटिव निकाल दे। अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन शांति कायम फरमा, अमन अमान कायम फरमा और तमाम मजाहब के लोग मिलजुल करके यहाँ रहें, इसलिए कि नफरतों में मज़ा नहीं है, मोहब्बतों में जो मज़ा है। पता नहीं कैसे मुख्तसर जिंदगी में लोग नफरतों के पल निकाल लेते हैं, इतने मुख्तसर पल हैं जो मोहब्बतों के लिए काफ़ी नहीं है, बहुत नफरतों के लिए निकाल लेते जगह, बड़े बेवकूफ़ है वो लोग, अरे मोहब्बतों के साथ गुजार लो। अल्लाह तबारक ताला हम तुझसे दुआ करें हमारे तमाम गुनाह को माफ़ फरमा। तुझसे क्या कहें, हमारे पास अल्फाज नहीं है, बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। अल्लाह दिल की धड़कनों से तू वाकिफ है, हम जो कहना चाह रहे हैं जो कह दिया है उसको कबूल फरमा, जो नहीं कह पा रहे हैं उसको कबूल फरमा। अल्लाह जिंदगी भर हमें ईमान के ऊपर जमाए रख, हम सबको खुश खुर्रम रख, अमन अमान के साथ रख, हमारे देश को पुरअमन बना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।